कुछ नंबर्स हैं, 5, 7, 3, 15, 10, ये कुछ नंबर्स हैं बच्चों। इन नंबर का मुझे जो है एक एवरेज कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8, 10, 10, हाँ जी बच्चों, मुझे प्लीज़ मुझे क्या करना है, कुछ मुझे इन नंबरों को क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और एवरेज के इम्पोर्टेंस क्या है, ये कि हम जो है हर एक डेटा के बारे में नहीं बता सकते हैं, पूरे ग्रुप में हम हर किसी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप के बारे में अगर पूरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो कोई हमें एक सिंगल नंबर चाहिए जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम इसका जो है मीन कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसका हम वहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो आपका ये हो गया 12, 20, 30 और 33, है ना? तो 33, एक घर में 5 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 7 साल का, एक 3 साल का, एक 8 साल का, एक 10 साल का, एक घर में 5 बच्चे हैं। अब मैं उनसे पूछूं कि आपके बच्चों की उम्र क्या है, तो वो हर किसी के बारे में बताए, जरूरी नहीं वो एवरेज एज भी बता सकते हैं अपने बच्चों के। तो बच्चों की एज 33 साल डिवाइडेड बाय कितने हैं, 5 बच्चे हैं। तो बच्चों की एवरेज एज क्या है, 5 6 23, और आपका जो है 3 6.6। तो ये क्या है बच्चों की एवरेज एज है, 6.6। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर मेरे पास में ना 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों की एज ये है, और मैं इन 5 बच्चों की, कोई भी मुझसे मेरे बच्चों की उम्र बोलता था, फिर मुझे लंबी छोटी कहानी बतानी पड़ जाती कि भाई ये कितने साल का है, कितने साल का है, कितने साल का है। तो कुछ ऐसा बताओ जो कि मैं एक बार बोलूं सामने वाला समझ जाए कि मेरे घर में बच्चे किस किस एज के होंगे। मैंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान ऐसे होगा कि आप जो है एक काम करें, आप एवरेज बताएं बच्चों की, तो सामने वाला समझ जाएगा। कोई साइंटिफिक यूज तो नहीं है ना इसका, उसको तो आइडिया ही लेना है ना, बच्चे कितने मैच्योर है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, या फिर टीन एजेस में है। तो मतलब कि एक आइडिया तो लेना है उनको, जो अभी आपसे पूछते हैं वो कोई ऐसा थोड़ा, कोई रिसर्च कर रहे हैं वो, क्लियर है ना? तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि साइंटिफिक यूज है इसका, एक आइडिया ले रहे हैं, और आइडिया लेने में अगर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्लासरूम की एवरेज एज 19 साल है, कोई कह दे इस क्लासरूम की एवरेज एज 19 साल 6 महीने है, तो इससे इस क्लास को लेकर के जो एक इमेज है कि कितने मैच्योर बच्चे हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो एवरेज में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो चेंजेस नहीं आता, आपको ही पता है। खैर, मैंने क्या कहा कि आप एवरेज बता दो, इसी के आसपास समझेंगे। उन्होंने क्या कहा, एवरेज होता क्या है? तो मैंने कहा जितने बच्चे हैं उनकी उम्र को जोड़ दो और जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, ये एवरेज आ जाएगा। तो वो फिर कहते हैं कि सर इतना पढ़ा लिखा होता तो आपके पास थोड़ी नहीं आता, मुझे जोड़ना नहीं आता है और मुझे भाग करना नहीं आता है। तो भाग करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे जोड़ना ही नहीं आता है। तो अब बताओ मैं कैसे अपने 5 बच्चों के बारे में एक्सप्रेस करूं? क्लियर है ना? क्लियर है? मैं तुझे ये सब तो आता नहीं है तो जो है जोड़ना आता नहीं और डिवाइड करना आता नहीं है, उसके बाद 5 बच्चों के बारे में एक्सप्रेस करना है, वो भी काफी आसान तरीके से। मैंने कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, आप जैसे लोगों के लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास में है। तो वो कहते हैं कि बताइए क्या समाधान है। एक काम करना, सबसे पहले ना बच्चों को बिल्कुल लाइन से खड़ा कर देना। लाइन से मतलब कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते बढ़ते क्रम में, या सबसे छोटे से शुरू कर दो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हाइट वाइज नहीं, एज वाइज, उम्र वाइज, है ना? तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, एज में आप ऐसे खड़े कर दो, या सबसे बड़ा, कैसे भी, असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में उनको खड़े कर दो। कहते ठीक है जी, मैं कर देता हूँ असेंडिंग में कर देता हूँ। ये हमारे में सबसे लाडला है 3 साल वाला, फिर उसका 5, फिर 7। मैं कैलकुलेशन समझ ही रहा था कि 2-2 साल का गैप है, उतने में फिर गपला आ गया 8 साल का, फिर जो है 10 साल। क्लियर है ना, समझ रहे हैं? तो 3, 5, 7, 8 और क्या हो गए, 10 साल। असेंडिंग ऑर्डर में भाई साहब ने क्या करें, बच्चों को खड़े कर दिए।
अब मैं क्या कहता हूँ, एक काम करो, जो आपका मिडल टर्म्स है ना, मिडल वाले जो सबसे बीच में बैठा होगा, उसको पकड़ के आगे बुला ले जाना, उसको आगे ले आना, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसको आगे ले आता है, अभी तो आ गया जो बीच में खड़ा है, आ गया। तो मैं बोलूँगा यही आपका एवरेज है, यही बोलना लोगों से कि मेरा एवरेज 7 साल है। वो बोलेगा भाई तो ये तो गलत बात है, 6.6 है आपने कैलकुलेट करा था, तो अब 7 हमें बोल रहे हो। मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बच्चा बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, 6.6 की जगह 7 बोल दोगे तो दाढ़ी थोड़ा ना आ जाएगी बच्चे की। उसको तो एक इमेज ही देना है ना सामने वाले को, आइडिया तो देना है, क्लियर ना। तो एक तरीके से बंदोबस्त है, मीन का, मीन की जगह पर थोड़ा उससे ऊपर नीचे भी हो जाए। आपको एक इमेज ही तो सामने वाले को देना है, एक आइडिया, एक रुझान ही तो बताना है आपको, क्लियर है ना। और रुझान बताने में थोड़ा तो ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज का भी पर्पस तो यही है, क्या पर्पस है उसका, एक आइडिया देना सामने वाले को, यही मतलब है ना एवरेज का, कि क्या है उसके बारे में बताना, आइडिया देना। उसमें ऊपर या नीचे हो जाए तो इससे इसके इमेज में चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक आइडिया ही देना है, तो वो ये भी तो आइडिया दे रहा है, लगभग लगभग 7-7 साल के बच्चे यहाँ पे घर में, तो फर्क क्या पड़ता है। आप एवरेज मत निकालो, आप ये निकालो मीन, आप मीन की जगह ये निकालो। तो कहता ठीक है, फिर मैं लोगों से ये बोलूंगा कि है ना मेरे बच्चों का एवरेज मीन 7 है। मैंने गलत, मीन है ही नहीं है, मीन है ही नहीं। बोला यार आप मुझे पागल कर दोगे ऐसे, तो भले आपने कहा थोड़ी देर पहले मीन है, मतलब मीन मीन है, लेकिन मीन नहीं कहेंगे, मीडियन कहेंगे। जिस तरीके से चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, उसी तरीके से मीन का सब्स्टिट्यूट मीडियन है। आज समझ में आया, पढ़ तो हम 10वीं से ही रहे, पर समझ में आया कि बेसिकली मीडियन होता क्या है, ठीक है ना। जो लोग ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं उससे बोलते हैं बीच वाला पकड़ ले, यही तेरे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यही तेरा भला करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। बात समझ आई नहीं आपको। स्टैट्स में ऐसे ही डीप के, ऐसी डिटेल की आपकी जो नॉलेज है ना, वो सीजीएल में, मेंस में आपके काम आएंगी। अभी तो कुछ शुरुआत नहीं करी है, मैं स्टैट्स पे लेके जाने नहीं चाहता आपको, और लेके जाऊंगा भी नहीं मैं आपको, जब हाँ एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे पास टाइम रहा तो शायद मैं अगर आपकी हेल्प करूँ तो मैं कर सकता हूँ, वो बात की बात है, पहले आप उसमें आइए तो सही। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन, ठीक है ना। तो हमारा जो है बच्चों, हमारा जो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है मीडियन हो गया। तो एक बात समझ में आ गया क्या, कि मीन की जगह पर मीडियन से भी काम चलाया जा सकता है। चाय पीने की अगर आपको हैबिट है तो कॉफी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉफी पीते वक्त में चाय को तो मिस करेंगे करेंगे, है ना। तो मैं काम चला सकते हैं, बट ये मीन नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आया। इसे क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये बात क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। तो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से, बड़ा कॉन्सेप्ट है। 10, 20, 30, क्लियर है ना। तो इसका अगर कोई मीन निकालता है, मेरे जैसा कोई मीन निकालता है, पहले समझिएगा, मेरे जैसा कोई मीन निकालता है तो हम तो करेंगे भैया 10 जमा 20 जमा 30 डिवाइडेड बाय 3, तो 60 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया, 20। क्या आ गया, 20। मीन क्या आ गया, 20 एवरेज। तो एवरेज आ गया यहाँ पर हमारे पास है 20, और वही पर्सन उससे बोले भाई आ जा भाई, तो ये उसे कहा था अपने हिसाब से निकाल मीन, तो क्या करेगा, इस बात वो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हुआ उस बात, तो उससे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे सामने आ गया बिल्कुल, कह रहा आपके बराबर ही काम कर दिया मैंने तो, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम, क्लियर है ना। मैं कहा चल ठीक है, अब करके दिखा। अब वो तो कह रहा है, वो कह रहा है किसको, मैं मीडियन बोलूं या मैं मीन बोलूं, मेरी मर्जी, मीडियन बोलता हूं तो है ही वो, अगर मैं मीन बोलता हूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीन के इक्वल ही है। मतलब चल भाई अब कर चेंज करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ले 13, 16, 19, 22, ठीक है ना, प्लीज समझेंगे। पहले मैं निकालता हूँ इसका मीन, पहले मुझे मौका दिया गया मीन निकालने का, तो इसको ऐड करेंगे 10, 20, 30, 40, 40 और ये 60, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, 16, क्या आया, 16 आया। अब बोलो अब आप निकालो मीडियन। वो कह रहा भाई आप जैसे पढ़े लिखे हो क्या क्या कर रहे हो, हमारे जैसे देखो
ये कर रहे हैं, जो मर्जी कह लो। तो मीडियन और मीन क्या हो रहे हैं दूसरे के? इक्वल हो रहे हैं। मीडियन और मीन क्या हो रहे हैं दूसरे के? इक्वल हो रहे हैं। तो मेरे मन में एक बात नहीं है कि मैं क्यों प्लस कर रहा हूं, मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, मैं क्यों मीन के पीछे पड़ा हूं, मैं मुझे मीडियन ही निकाल लेना चाहिए। लेकिन जब जब गैप इक्वल होते हैं ना, जब गैप इक्वल होते हैं ना सीरीज में, तो उस समय मीन और मीडियन बिल्कुल सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर मीन निकाल लो, तो क्यों निकालोगे मीन? मीडियन निकालो ना, कि मीडियन तो मीन के बराबर ही है ना, कुछ फर्क है क्या दोनों में? नहीं है फर्क। मीन निकालो, क्यों निकालोगे मीन? गैप इक्वल है ना। अब भाई, अब मेरे भाई, अब यहां मत निकाल देना मीडियन, यहां गैप डिफरेंट है, यहां तो प्लस करके डिवाइड ही करना पड़ेगा। बट यहां पर आपको प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सीखे आप? जिस सीरीज में इक्वल गैप होता है, गैप कुछ भी हो, 5 का, 3 का, 10 का, 50 का, 100 का, गैप कुछ भी हो, जिस सीरीज के अंदर इक्वल गैप होता है, उस सीरीज के अंदर जो मिडल वाला टर्म है, जो कि मीडियन है, वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना? तो इस केस में इक्वल गैप वाली सीरीज के अंदर, इक्वल गैप वाली सीरीज के अंदर आप मीन कैसे निकालेंगे, ये मेरा टॉपिक है। तो बीच वाले को पकड़ लेंगे, वो मेरा मीन है, टाइप टू। क्लियर है? समझ गए? मिटा दो इसको, इससे तो कोई काम नहीं है। तो अब बस आपने यहां पे ये सीखा ना कि अगर सीरीज में, अगर सीरीज में हमारे इक्वल गैप है सीरीज के अंदर, तो जो हमारे पास में क्या होगा, मिडल वाला जो होगा टर्म, वो क्या होगा हमारा, मीन के इक्वल होगा। तो टाइप टू, पंद्रह, बीस, पच्चीस, थर्टी, 35, 40, 3 और 3 6, और 45। ठीक है ना? क्लियर है ना? सॉल्व करते हैं इसमें। आप एक चीज पहले ऑब्जर्व करिए, क्या गैप इक्वल है? तो जो मीन है, या फिर बार बार मीन कह रहा हूं, बेसिकली एवरेज जो है वो क्या होगा, बीच में कौन है? बिल्कुल। तो आपने एक सेकंड के अंदर ही यहां पर मीन कैलकुलेट कर लिया। आपको ऐड करके और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 से आपको करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो कितने आसानी से आप मीन निकाल पा रहे हैं, देख रहे हैं? समझ गए? बिचार टर्म को इजिली आप पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्लियर है बच्चों? जैसे बच्चे के मन में ये आ रहा हो, भैया चलो इसमें इसमें करके बताओ, मैं 15, 20, 25, 30, यहां मिडल वाला टर्म पकड़ के दिखाओ आप, यहां मिडल टर्म पकड़ के दिखाओ आप, क्योंकि 5 टर्म्स होते हैं तो बीच वाला एक अलग ही नजर आता है, 7 टर्म्स होते हैं तो बीच वाला अलग ही नजर आता है, पर 4 हो 6 हो तो वहां बीच वाले टर्म्स कैसे पकड़ पाओगे आप? ये बीच में थोड़ी नहीं है, ये बीच में थोड़ी नहीं है। मिडल का मतलब होता है बच्चों, मिडल, मिडल का मतलब क्या होता है? मिडल। तो जो गैप है वो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। गैप क्या होंगे? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। गैप 5 5 का है ना, तो ये 5 का गैप है, तो दो इक्वल पार्ट में तो क्या हो जाएगा, ढाई ढाई का, 2.5, 2.5 का गैप आ जाएगा। तो आइए इससे आगे आइए, 20 प्लस 2.5, तो क्या हो जाएगा, 20। तो हाँ, यहां पर इसका जो मीन होगा वो होगा 22.5, ये इसका मीन होगा। क्लियर है बच्चों? समझ गए ना? 4, 8, 12, 16 मीन निकालना है मिडल टर्म। तो गैप कितने का, 4 का है ना, तो 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 8 2 10, यहां मीन क्या है आपका, 10 है। सुन आया? क्लियर है? अब आपका जो है टाइप टू, इसको आप जो है नोट करिए।